अस्सलामुअलैकुम स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाज़ी और मेरे साथ है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, छठी बार जो है वो सेमीफाइनल में आ रहा है और ये रिकॉर्ड अब एक बन चुका है, क्या कहेंगे इस रिकॉर्ड के बारे में? हिना देखा जाए तो जब से T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप से 2007 के वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कि सबसे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। पहले वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, दूसरा हमने टाइटल जीता, तीसरे में फिर सेमीफाइनल में गए, उससे नेक्स्ट में फिर सेमीफाइनल में गए, फिर उससे नेक्स्ट में हम नहीं क्वालिफाई कर सके, फिर हमने लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल क्वालिफाई किया और इस दफ़ा फिर क्वालिफाई किया। तो ये आपको बताती है कि हम छोटा फॉर्मेट कितना अच्छा खेलते हैं। और ये बहुत बड़ा एजाज़ भी है समहाउ कि आप एक T20 नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ और आपकी टीम सबसे अच्छा वो क्रिकेट खेल रही है और ये इट शोज़ कि आप इस फॉर्मेट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्लेयर्स की या टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें फर्दर डिस्कशन में भी हम शामिल कर लेते हैं, हमें पता चला कि अबू बकर भी हमारे साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, अबू बकर बिलाल जो है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं सिडनी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं आप? अबू बकर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके अबू बकर बताइएगा हाउ इज द वेदर? देखिए जी अभी जब आपसे मेरी बात शुरू हुई थी उस वक्त धूप निकली हुई थी, लेकिन अब जो सूरज के आगे बादल आ चुके हैं और आप देखते होंगे कि छांव हो गई है, हवा यहाँ पर चल रही है। मौसम की अगर बात कम से कम दर्जा हरारत 9 होगा और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा ये आज, और मौसम खुशगवार है यहाँ का, किसी किस्म की बारिश की पेशन गोई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मैच जो है उसके बाद सबको इंतजार है और सेमीफाइनल एक बड़ा मैच है और बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। दोनों टीमें जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारी में है। अगर बात की जाए आज के प्रैक्टिस, पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल जरूर था लेकिन कैंसिल करके पूरी टीम नहीं आई, लेकिन सिर्फ बाबर आजम आज के प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमें अकेले के अंदर और तकरीबन 8 मिनट तक उन्होंने नॉकिंग की और उसके बाद वो भी मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस टीम होटल चले गए हैं। तो आज तो बाजार लग रहा है कि टीम का जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर आराम करने के, ताकि जो सफर की स्टिफनेस है और ट्रेनिंग की स्टिफनेस ना और कल ताज़ा दम होकर टीम जो है वो मैदान में उतरे। अच्छा अबू बकर ये बताइए काइंडली कि बाबर आजम का आपने बताया कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए, हम जब तक पूरी प्लेइंग 11 देखते हैं तो हमें नहीं लगता किसी किस्म की चेंजिंग की जाएगी, ये तमाम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्ट हमारे ओपनर्स, तो आपको कई ज़राए से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको लगता है कुछ मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ओपनर्स में से कोई एक शाह खास तौर पर बाबर की बात की जा रही है उनको नंबर 3 पे आना चाहिए और हारिस को एज ए ओपनर खिला के पावर प्ले को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ऐसी कोई न्यूज़ है? देखिए जी अभी तक तो इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। आज सुबह भी मैथ्यू हेडन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान टीम के मेंटोर हैं, तो उनसे भी ये सवाल हुआ कि क्या यकीन किया जा सकता है, तो उन्होंने बाबर और रिजवान की जोड़ी को नंबर 1 करार दिया और ये जोड़ी ऐसी जोड़ी है कि जिस मैच में चलेगी उस किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। तो उनकी बातों से अगर अक्स किया जाए, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है या कोई बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करने को तैयार है। बाबर रिजवान ही ओपनिंग करेंगे, वन डाउन की पोजीशन जो कि फखर जमान की वजह से खाली हुई थी वहां पर हारिस एडजस्ट हुए और हारिस जिस तरीके फॉर्म कर रहे हैं दोनों में दो मैचेस खेले और बहुत ही नडर प्लेयर हैं, जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं और वही पाकिस्तान का इस वक्त इंटेंट भी सेट कर रहे हैं। तो हारिस मुझे लगता है कि वन डाउन ही आएंगे और फिर डिपेंड करता है विकेट से जल्दी अर्ली ऑन करके तो शान मसूद नंबर 4 पर आएंगे, नहीं तो फिर इफ्तिखार अहमद, शादाब या नवाज में से नंबर 4 पर क्यों आएगा। सिर्फ 3 नंबर ऊपर के जो ऑर्डर्स हैं टॉप ऑर्डर वो हमें रिजवान ओपनिंग करेंगे और हारिस वन डाउन आएंगे, लेकिन उसके नीचे मैच सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा पाकिस्तान टीम किस स्ट्रेटेजी से मैदान में उतरती है। अच्छा वो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के गेंस सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छा है, खासतौर पे हम वर्ल्ड कप के सिनेरियो में बात करें, तो आपको क्या लगता है सिडनी की जो कंडीशन है वो भी समहाउ हमें सूट करती है और जैसे वेदर का आप बता रहे हो फोरकास्ट क्लियर होगी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो हमें इधर से हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि पाकिस्तान भी अगर टॉस जीता तो पहले खेलने की कोशिश करेगा, तो आप कंसिडरिंग द बाउंड्री डायमेंशन और सारा आपको क्या लगता है क्या टोटल सेफ होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए 170 180 या कुछ ऐसी बात हुई हो आपकी टीम मैनेजमेंट से इस हवाले से?
देखिए इरफान, सिडनी के अंदर बड़ा टोटल बनता है, खासकर जो टीम पहले बैटिंग करती है वो उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉल होते ऊपर तो क्रैक्स पैदा होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेदर मेलबर्न और पर्थ की नस्बत थोड़ा सा गर्म है, विकेट जल्दी रफ हो जाती है, तो सेकंड जो बैटिंग होती है उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी। ओवरऑल तो रिकॉर्ड पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा है, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड ने होम टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में इसी कस दी हुई है और 200 रन उन्होंने टोटल किया था और ऑस्ट्रेलिया को 111 रन पर महदूद कर दिया था, एक बड़े मार्जिन से उन्होंने मैच जीता था। तो बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड को आसान नहीं लेना होगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलना भाई बहुत जरूरी है जीतने के लिए। अच्छा अबू बकर, ये भी बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस सेशंस देखे इन प्लेयर्स के, फिटनेस के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा कि फिटनेस किस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए ओवरऑल तो पाकिस्तान टीम के जो प्लेइंग 11 है वो तो मुकम्मल तौर पर फिट हमें दिखाई देती है और खुशी की बात यह है कि शाहीन शाह फरीदी जो कि थोड़ा स्ट्रगल, उनका रिदम वापस आ गया है। लास्ट मैच में देखा अगेंस्ट उन्होंने 4 आउट किए इन एडिलेड ओवल और उसके बाद अब वो यहाँ पर सेमीफाइनल के अंदर यकीनी तौर पर मैदान में उतरेंगे और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान टीम को। शाहीन शाह अफरीदी के रिदम में वापस आने का बहुत ज्यादा फायदा होगा मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने हमारी फास्ट बॉलिंग बैटरी की कमांड संभाली हुई थी लेकिन आप थोड़ा सा ऑफ कलर थे, इंजरी से वापस आए थे, थोड़ा रिदम आउट था, कॉन्फिडेंस लेवल शेक था, लेकिन पिछले दो मैचेस में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी है तो अब ऐसे ही लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक दफा फिर आसमान को छू रहे और बाकी तमाम प्लेयर्स है, धवन की फिटनेस सुपर फिट है, हारिस सुपर फिट है, बाबर आजम देखें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में, उनके रन उनके कम निकले और यही वजह है थोड़े मुझे अंडर प्रेशर भी नजर आ रहे थे, लेकिन जो पिछला मैच अगेंस्ट बांग्लादेश जीता और क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में, वो अगर मनाजर मैंने भेजे भी थे यहाँ पर आप लोगों ने यकीन तौर पर खिलाए भी होंगे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, उनका मुझे शायद उनके ऊपर से थोड़ा बर्डन कम हुआ है सेमीफाइनल में पहुंचने की वजह से। 3 मैच तो हमने लगातार जीतने थे ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने 4 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा है, एक मैच नेदरलैंड भी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था मेरे। अच्छा दूसरा मैं एक और लास्ट आपसे जानना चाहूंगा, सिडनी की विकेट्स में हमने देखा कि ये स्पिनर्स को भी बेनिफिशियल होती है, उनको भी जैसे आपने बताया कि ड्राई होने के बाद थोड़े क्रैक्स आते हैं, तो आपको लगता है कि शादाब जिस तरह खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं और अभी उन्होंने शायद अफरीदी का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया, बराबर कर दिया प्रॉब्ली, तो आपको क्या लगता है इसमें कि नवाज को भी या इफ्तिखार को भी कल कुछ चांस दिया जा सकता है? और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी मेरा साथ लीजिएगा, एलन जो है, एलन को मैंने देखा है कि वो पेस अटैक पे बड़ा पावर हिटिंग करता है, बड़ा तेज खेलता है, बस स्पिनर पे थोड़ा फंसता है, तो आपको लगता नहीं है कि नवाज के साथ हमें या टीम की थिंक टैंक का कोई आपने को उनकी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया हो किसी ने कि क्या बेनिफिशियल हो सकता है कि नवाज के साथ अगर अटैक किया जाए एलन के अगेंस्ट? इरफान जहाँ तक तो शहजाद की बात है, मुझे तो प्लेटफॉर्म में इवन के जितनी भी टीम अपने साथ लेग स्पिनर्स लेकर आई है शादाब खान से ज्यादा यूजफुल इम्पैक्टफुल लेग स्पिनर अभी तक हमें किसी टीम का नहीं दिखाई दी, तो शादाब खान बहुत ही कमांडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, ऑलराउंड रोल प्ले कर रहे हैं, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि लास्ट मैच इस बॉलर पर उन्होंने 50 भी किया, वो भी बड़ी शानदार इनिंग थी शादाब खान की, तो शादाब खान तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही यूजफुल है। जहाँ तक आपने बात की नवाज की, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि एलन जो है वो स्पिनर पे थोड़ा फिट से जब मेरी खास बात नहीं हुई, लेकिन एक दो दफा जब मैंने पूछने की कोशिश की है तो उनका ये कहना था कि हम अपने सेम प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे, जब सेम प्लान की बात होती है तो फिर तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाही अटैक करते हैं और शाहीन का जो रिकॉर्ड है पहले ओवर के अंदर विकेट लेने का शानदार है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान शाहीन नवाज के साथ रिस्क ले, लेकिन ये हो सकता है कि पहला ओवर शाहीन से दिलवा के दूसरा ओवर नवाज से करवाया जाए, जबरदस्त और उन्हें बड़ा अच्छा करते उसका फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान टीम को, लेकिन ये मिडिल ओवर के अंदर सिडनी के स्पेशली विकेट की बात की जाए, अर्ली ऑन तो फास्ट बॉलर को हेल्प लेकिन अर्ली ऑन स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती, सिडनी के विकेट पे स्पिनर्स को मिड मैच के बाद 12 ओवर के बाद ज्यादा हेल्प हमें दिखाई देती है, बॉल ज्यादा टर्न होता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम इस माइंडसेट के साथ जाए
कि हम अपने स्पिनर्स को मिडल ओवर में यूज करेंगे और फास्ट बॉलिंग बैटरी के साथ अटैक ठीक होगा। अगर हमें ऊपर से दो तीन विकेट पावर प्ले में तो फिर यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर होगा। ठीक हो गया। अच्छा अबू बकर से मैं भी एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, टीम के मोराल के बारे में बताइए क्योंकि शायकीन भी अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हमारा मोराल भी बहुत अप हुआ है। टीम के फिटनेस के साथ साथ सारी चीजें वैसे बहुत जरूरी है, मुझे बताइएगा अब किस तरह से आप टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनका मोराल उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप हो चुका है। देखिए बहुत ज्यादा अगर मदर की सूरत हाल से निकल के हम हमारी टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन जो सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान पहुंचा है उसके बाद जब मेरे टीम को एडिलेड से मूव करते हुए देखा सिडनी, तो वहां पर खिलाड़ी के चेहरे भी खिले हुए थे, खिलाड़ियों का मोराल भी हमें बुलंद दिखाई दे रहा था और पॉजिटिव इंटेंट भी दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि उसी इंटेंट के साथ पाकिस्तान टीम कोशिश करेगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरे। लेकिन यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड आसान हरीफ नहीं होगा, न्यूजीलैंड इन कंडीशन पर जबरदस्त खेलता है और इन कंडीशन में पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल या पाकिस्तानी बल्कि ऑल एशियन टीम्स स्ट्रगल करती है, तो ना एक तरफ एक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ एडिलेड के अंदर इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला है, तो दोनों एक तरफ दोनों एशियन टीमें भी हैं और एक तरफ न्यूजीलैंड और तरफ इंडिया है और सॉरी इंग्लैंड है, तो बड़ा जबरदस्त इस वक्त खिचड़ी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से हमारी बात होती है तो इंडिया का फाइनल। ओह यस अबू बकर मैं इसी तरफ आ रही थी कि अगर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हो जाता है तो बड़ा मजा आने वाला है। जी बिल्कुल, इधर लोग यही चाहते हैं, बड़े दिल से लोग दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। इवन की जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहला मैच आ रहा तो वो अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए रिस्पॉन्स आया इंडियन फैंस की तरफ से, किसी ने पाकिस्तान टीम को बुरा नहीं कहा, सबने कहा कि पाकिस्तान टीम इंडिया से बेहतर टीम है, ये मैं इंडियन फैंस की बात बता रहा हूँ, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम पाकिस्तान इंडिया के एक बार फिर फाइनल हो, क्योंकि 90,000 से ज्यादा क्राउड और किसी मैच में नहीं आया, वो सिर्फ पहला मैच था पाकिस्तान के अंदर। इवन ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में भी हमने देखा कि फुल होम जो ग्राउंड थी वो फुल नहीं थी, सिर्फ हमारे मैच और इंडिया के गेम्स मैच में था। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना ये राइवलरी भी कंसीडर की जाती है, पूरी दुनिया का जो आई बॉल बन चुका है ये मैच, वो बहुत बड़ी चीज है। ओके जी अब हम लेते हैं ब्रेक, बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में आगाह किया कि क्या सिचुएशन है वेदर से लेकर प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से भी आपने बात की, फिर आपने बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर की भी बात की, आने वाले मुकाबलों में क्या होने वाला है भाई ये तो अभी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते लेकिन हम इस पर बात जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर अबू बकर, हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन। वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। इरफान साहब फाइनल की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश है ये कि जी जो टाकरा है ना वो इंडिया और पाकिस्तान का होना चाहिए और मज़ा ही तब आएगा जब फाइनल में आमने सामने होंगी ये दोनों जो है ना टीम्स, क्या कहते हैं मज़ा वैसे आएगा या नहीं? बिल्कुल, इससे बड़ा कोई आई बॉल हो नहीं सकता और व्यूअरशिप इसकी हो नहीं सकती। जैसे शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2017 के चैंपियन ट्रॉफी का जो व्यूअरशिप थी वो फीफा के वर्ल्ड कप से भी ज्यादा थी और ये दुनिया का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है क्योंकि एक्साइटमेंट इन दोनों की राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कम खेलने के प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। माइनस यही है कि ऑब्वियसली हम लोगों को क्रिकेट कम देखने को मिलती है, प्लस ये है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है जब साल में आप एक या दो दफा खेलेंगे और तो सारों का वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा कि ये मैच होना और अब ये हो रहा है और सारे के सारे बैठेंगे, तो ये मेरा ख्याल है आईसीसी बीसी वजह से जब हमारा कोई भी इवेंट के अंदर हम करते हैं आईसीसी के इवेंट में तो एक ही ग्रुप में रखा जाता है कि एटलीस्ट एक दफा तो ये मस्ट दोनों टीमें खेलें और पहला मैच भी इसी का रखा जाता है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे अबू बकर से भी कि पहला मैच वाइज मैच था जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख की कैपेसिटी थी और वो हाउस फुल था, वो पूरा स्टेडियम फुल था उसमें, तो बाकी किसी मैच के अंदर इवन ऑस्ट्रेलिया के किसी मैच के अंदर भी क्राउड फुल नहीं आया। हमने देखा स्टेडियम 50-60-70% तक एट मैक्स गया, 100% कैपेसिटी पे नहीं गया। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये अगर हो जाता है और चैंपियन ट्रॉफी को 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2017 में हमने जीता था, उसके बाद से अभी कोई फाइनल में हमारा टकरा नहीं हुआ बड़े किसी में, और हमें तो ये भी लगता है अगर आए तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि हम पहला मैच इनसे हारे, हमें हिसाब बराबर करने का वो रिवेंज लेना हमने। लेकिन इरफान साहब आपको नहीं लगता कि बहुत नर्व रैकिंग होता है वो मैच, मतलब आपकी जो ना मिनी हार्ट अटैक्स थ्रू आउट द मैच आते रहते हैं?
बहुत सही कह रहे हो आप, दोनों नेशन बहुत इमोशनल हैं, सेंटीमेंट से हम भरपूर नेशंस हैं, और सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं हम भी और वो भी, बिल्कुल, और हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई स्पोर्ट ही नहीं रहेगी, नहीं है। और इंटरटेनमेंट का आप देख लें आप, कि आप पहले होता था आप लोग जाते थे मूवीज देखते थे, अब वो ट्रेंड भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, अब तो सिर्फ ये है कि या घरों की हद तक या किसी ने डिनर कर लिया, और प्योर इंटरटेनमेंट लेनी है तो क्रिकेट से ही लेनी है, बट वो भी टेम्प्री है ना, वो यू हैव टू गो समवेयर और फिर आप वापस आ गए, प्रॉपर जैसे एंटरटेनमेंट बैठ के अरेंजमेंट करना, सब कुछ करना, स्क्रीनिंग करना, वो फैमिलीज का गेट टुगेदर करना, बारबेक्यू हो रहा होता है, सारा गेट टुगेदर होता है बाकायदा। अच्छा मजे की बात है, मेरे से इस एटमॉस्फेयर में मैच नहीं देखा जाता। अच्छा क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने बॉल टू बॉल मैच देखा होता है, मुझे लगता है नहीं होती टेंशन, मैं कहता हूं मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे, तो आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन द मैच, तो मैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में मैच को एंजॉय नहीं करता। इनवाइटेड होते हैं फिर क्या करते हैं आप, अवॉइड करते हैं इस तरह की गैदरिंग्स में जाना? मैं नहीं जाता, जब कोई बड़ा मैच हो कुछ हो मुझे इनवाइट, मुझे 90% इनविटेशन आती है मैचेस के अंदर, वो इसलिए इनवाइट करते हैं कि ये साथ साथ हमें बताता रहेगा, देता रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह होना चाहिए, बट मैं मैचेस के अंदर अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर मुझे ऑलमोस्ट हर संडे को इनविटेशन थी किसी ना किसी जगह से कि आप अच्छा। आए, तो मैंने सबसे माजरत कर ली, माजरत वो इसी का कहा कि जी मैंने शो करना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ एक तरीके से, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं नहीं जाता इसी वजह से कि मैं फिर वो गेम एंजॉय नहीं करता, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको हर बॉल पे वो पूछ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो आप ना करें तो टेंशन जो है वो डिविएट हो जाती है, फोकस नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, और फिर आप जो गेम को एंजॉय करना होता है ना वो भी नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने रूम के अंदर अकेला बैठ के देख रहा हूँ, या मैक्सिमम आई यूज्ड टू वॉच मैच विद माय फादर। अच्छा ठीक है, तो वो और मैं बड़ी जबरदस्त कॉम्बो बनता है, तो वो इससे ज्यादा मेरे से होता नहीं, और आपका स्टेमिना भी नहीं है कि और जाके देखें। ऐसे ही। अच्छा इरफान साहब, थोड़ी से रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, शादाब खान ने अभी रिसेंटली शाहिद खान अफरीदी का जो है वो रिकॉर्ड उनके बराबर कर लिया है, टी ट्वेंटी में 97 विकेट्स उन्होंने लिए, और शाहिद खान अफरीदी साहब ने भी पहले 97 विकेट लिए थे, क्या कहते हैं उसके बाद फिर ये बाकी लोगों ने भी ये रिकॉर्ड बनाया, उमर गुल का नाम इसमें आता है, सईद अजमल साहब जी जी बिल्कुल सही, 85 विकेट्स उन्होंने ली, क्या देखते हैं इस अप्रोच को भी कि रिकॉर्ड्स भी तो चलो तोड़ नहीं रहे तो इक्वालिटी तो हो गई, तोड़ने में तो ना कसर कोई नहीं रहेगी, इस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं, अभी बहुत यंग एज है शादाब की, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा लंबा क्रिकेट खेलेंगे, माशाल्लाह जो इनका फिटनेस लेवल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और बड़ा एक कंप्लीट पैकेज आपको नजर आता है शायद आपके अंदर एज ए प्लेयर, आप उनकी फील्डिंग देखें तो मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर आपको नजर आते हैं, बैटिंग के अंदर जिस तरह की आप उन्होंने परफॉर्मेंसेस लास्ट वन ईयर से देना शुरू किए हैं, बड़े कंसिस्टेंट बेसिस पे दे रहे हैं, और बॉलिंग के अंदर भी आपका सबसे मेन वेपन बनते जा रहे हैं, जैसे हम टॉप पे इनिशियली शाहीन शाह अफरीदी को रेट करते हैं कि हमारा मोस्ट रिलायबल बॉलर है, तो आप मिडिल के अंदर आके जब दूसरी ओपोनेंट जो है वो आपकी स्टेबल हो रही होती है, पार्टनरशिप लगा रही होती है, तो शादाब का रोल आता है, और शादाब उधर आके आपको हमेशा विकेट लेके दे रहे हैं, जिस तरह अबू बकर ने भी बात की कि जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स आप देख रहे हो कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना शादाब है, बिल्कुल, और हर मैच पे आपको विकेट लेके दे रहा है, ब्रेक थ्रू दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेग ब्रेक बॉलर जो है विकेट टेकिंग तो होता है लेकिन वो साथ रन भी बहुत कंसीड करता है, चाहे आप न्यूजीलैंड के सोदी की बात करें, चाहे आप आदिल रशीद की बात करें, या आप इवन दो इंडिया के स्पिनर्स की बात करें, या श्रीलंका के हसरंगा की हमने देखा, उन्होंने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए, ये वाइड एक ऐसा बॉलर अभी तक हमें नजर आया, इवन हमारा नवाज ने बड़े रन कंसीड किए, ये वाइड बॉलर नजर हमें आया कि जिसने कंटिन्यूसली हर मैच में आउट भी करके दे रहे हैं और रन भी कंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल, और स्पिनर की सबसे खूबसूरती लेग ब्रेक बॉलर का रन इसलिए ज्यादा कंसीड करता है कि आप ये जो बॉल है उसको बैक ऑफ द हैंड करते हो, ऑफ ब्रेक जो बॉलर होता है वो सामने से बॉल कर रहा होता है, तो उसको अपने विकेट्स के और जिस टारगेट पे बॉल करना चाह रहा है उसकी एक्यूरेसी बड़ी कन्वीनियंट होती है, जब आप बैक ऑफ द हैंड बॉल करते हो तो उस पर कंट्रोल करना लेग ब्रेक बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं खुद लेग ब्रेक बॉलर भी रहा हूँ, ऑफ ब्रेक भी करता हूँ, तो मैं इन दोनों को समझता हूँ कि मुझे बड़ा एग्जैक्ट आइडिया है कि ये कितना डिफिकल्ट चीज है। अच्छा आप तो प्रैक्टिकली सब कुछ कर चुके हैं, तो अपने एक्सपीरियंस आप तो बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। जी ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेट ना खेले हो तो फिर आप तजिया भी नहीं दे सकते, फिर आपको कई चीजें जो आपको ऑन ग्राउंड प्लेयर की चीजें जी आप प्लेयर के जो क्या चीजों से फेस कर रहा है, पेस अटैक को क्या प्रॉब्लम आती है, स्पिनर को क्या आती है, बैट्समैन को क्या आती है, तो हम एनालिसिस भी नहीं दे पाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लेड अ लॉट, तो मुझे उस वजह से इन सारी जितनी भी चीजें हैं। Were you a batsman or a good ball? I was all-rounder, जी। अरे वाह वाह इरफान साहब, वैसे आप ऑलराउंडर हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। जी ओके। तो ज्यादा मेरी बॉलिंग ऑलराउंडर कहना चाहिए, स्पिनिंग मेरी ज्यादा थी,
मैं पहले शुरू में स्टार्ट पेस बॉलर से किया बट मेरा पेस ज्यादा नहीं था तो आई देन रियलाइज के मुझे उस पे नहीं आना। अच्छा। तो खैर स्पिनर मैं रहा। तो शादाब को हम अप्रेज कर रहे थे कि जितना खूबसूरत ये तरीके से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे हमने उस लास्ट वीक बात की थी कि नेक्स्ट नायब वाइस कैप्टन भी है और नेक्स्ट कंटेंडर भी है कैप्टन के लिए भी, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा ये है कि आपके पास अभी नवाज भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, जो सिडनी की कंडीशन है इसमें आप स्पिनर को यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि इसमें क्रैक्स भी आते हैं विकेट्स के अंदर जब ड्राई होती है, जैसे अबूबकर ने भी बताया। तो ये वाहिद विकेट है जिसमें बाउंस भी थोड़ा लो है, बाकी आप पर्थ की बात कर लें, एडिलेड ओवल की बात कर लें, मेलबर्न की बात कर लें, इधर बाउंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बिल्कुल, ये पेस अटैक को ज़्यादा सूट करती है कंडीशन जो सिडनी है, ये दोनों को सम हाउ बेनिफिट देती है। तो ये चीज़ भी हमारे फेवर में जाएगी और जिस तरह अबूबकर ने बताया कि फोरकास्ट क्लियर है, सब कुछ है, तो इसमें आपको बड़ा रन भी देखने को मिलेंगे जी। आप 140 150 नहीं देखेंगे, एटलीस्ट 170 200 के इन बिटवीन देखेंगे और पाकिस्तान अगर खेलता तो सेफ टोटल जिस तरह मैं डेली कह रहा हूँ 180 समहाउ क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्पिनर की बात करें तो एक जैसे आपने शुरू में पूछा था मेरे से कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बैट्समैन तो हमने डिस्कस कर लिया, बॉलिंग में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या स्ट्रेटजी, किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए हमारे बॉलर्स को। बिल्कुल, उसमें बैटिंग के अंदर हमने देखा कि सिर्फ एक चीज नजर आ रही है बाबर टीम पे, तो बॉलिंग में भी एक हमें स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी कूल एंड कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलता है। अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजी को इसलिए किया, शायद आपको याद होगा मैंने वर्ल्ड कप के स्टार्ट में आपने मेरे से पूछा था सबसे स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है, मैंने आपको कहा था न्यूजीलैंड, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी वो हमारा दिल कहता है पाकिस्तान जीते, बट मुझे वैसे इन जनरल आप क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में पूछेंगे तो न्यूजीलैंड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन दिस टाइम, तो वो सबसे मुझे हेल्दी लगती है। अच्छा, उसमें ये है कि अब आपका एलन जो है ना न्यूजीलैंड का, ये बहुत अटैक करता है पेस अटैक पे, इसने स्टार्क को भी हिटिंग की, बाकी भी टीमों को देखा, तो आपका सबसे पहले फोकस उसकी विकेट है क्योंकि अगर वो 5-6 ओवर विकेट पे खड़ा रह जाता है तो वो आपसे सिंगल हैंडली गेम अवे ले जाएगा। बिल्कुल, उसको फिर आपको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसमें करना क्या है कि शहीन शाह से आपने अटैक करना है। एलन को मैंने बड़ा नोटिस किया, इसके मैंने प्रीवियस मैचेस भी देखे हैं, वो स्पिनर पे फंसता है, उस पर वो स्ट्रगल करता है, तो आपने फौरन से ये क्या करना है कि अगर वो अगर उसकी हिटिंग लगना शुरू हो जाती है तो आपने स्पिनर को लेना है। उस टाइम नवाज इज द आइडियल कैंडिडेट कि आप उसको लेके आए क्योंकि नवाज बॉल बाहर भी करता है, न्यू बॉल के साथ उन्होंने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में भी बहुत बॉलिंग की हुई है, तो वो एक आइडियल टाइम होगा आपके लिए उसको अप्लाई करने के लिहाज से क्योंकि आपने फॉरन इनोवेशन लेके आनी है। जैसे हम बात कर रहे हैं रेगुलर कि कैप्टन शूट कैप्टन या गेम अवेयरनेस वाला कैप्टन क्या है कि वो अपना उसके पास प्लान ए प्लान बी प्लान सी है, आपने फॉरन इंस्टेंट चेंजिंग करनी है। तो आप पहले एक दो ओवर मेरा मानना है कि आप नसीम शाह भी शुरू में विकेट ले रहा है, शाहीन भी ले रहा है, आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि उसने चार्ज तो करना ही करना है क्योंकि बड़ी गेम है, सेमीफाइनल और फाइनल उन्होंने लेके जाना है। बिल्कुल, आपने इंस्टेंटली ये करना है कि आपने नवाज को लेके आना है और अगर लेट्स सपोज आपको नवाज को भी आपको देखते हो कि वो खेल अच्छा रहा है नहीं हो रहा तो आपने शादाब को भी ट्राई कर देना है। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो स्पिनर पे स्ट्रगल करता है, तो आपने उसके अगेंस्ट चांस लेना है, ये होता है बेसिकली चांस लेना, ये दैट कैन गो इधर वे। बिल्कुल, आपके अगेंस्ट एक ओवर 15-16 का भी लग सकता है, ये भी हो सकता है अर्ली ऑन क्योंकि बैट्समैन क्या कहता है कि सर्कल के अंदर फील्डर हैं तो मैं स्पिनर को इजीली उठा के दायरे से बाहर शॉट्स मारूंगा, तो उस चक्कर के अंदर वो अपनी कई दफ़ा मिस हिट भी कर जाता है, स्पिनर की बॉल ग्रिप भी हो जाती है, टर्न भी हो जाती है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता नॉर्मली ओपनिंग बैट्समैन क्योंकि उसको ही इज नॉट हैबिचुअल टू प्ले द स्पिनर इन अर्ली ऑन, तो वो उसको एक प्रैक्टिस डेवलप नहीं होती, तो वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर आपके पास कोई इसी तरह का क्लासिक बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस है न्यू बॉल से बॉल करने का, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को ये ज़रूर इस पे काम करना चाहिए। ओबियसली मैं आई एम डैम श्योर कि टीम थिंक टैंक सारा कुछ ये सारी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर निकालते हैं, बट मेरी नज़र में जो मैंने एज ए क्रिकेटिंग अपनी एक्सपर्टीज में देखा ये हमें प्लान बी जरूर मस्ट रखना चाहिए। नहीं, प्लान ए के साथ प्लान बी का है वो चाहिए कि होना बहुत जरूरी है ताकि आप टाइमली उसको एग्जीक्यूट कर सकें अगर प्लान ए जो है वो किसी तरह से काम नहीं कर रहा। अच्छा इरफान साहब, बात करते हैं हम लीग क्रिकेट की, आप क्या समझते हैं दुनिया भर में अब तो लीग क्रिकेट खेली जा रही है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका क्रिकेट पर, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका टीम्स पर, क्या इन्फ्लुएंस है? देखें ये भी है ना, दोनों इधर वे ये चीज़ चल रही है। पहले प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस तो ये है कि आपके वो प्लेयर जो टीम का पार्ट नहीं होते, देखें ना प्लेइंग 11 में तो 11 लड़कों ने खेलना है, स्क्वाड आपका मैक्सिमम 16 लड़कों का होना है, तो 4-5 लड़के आपके साथ ट्रेवल करते हैं, बाकी आपका पीछे जो लॉट होती है उसमें आपका 40-50 लड़का होता है हर कंट्री का जो ए टीयर की क्रिकेट खेलना चाह रहा होता है,
तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दुनिया अपने कंट्री के अंदर भी खेल सकते हैं, अगर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके भी वो खेल सकते हैं। एक तो फाइनेंशियली भी उनको बेनिफिट मिलता है, दूसरा एक्सपोजर मिलता है, तीसरा उसका बेनिफिट ये है कि आपका प्लेयर जब दूसरे कंट्रीज़ के जब आते हैं प्लेयर, तो उनके साथ जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आप बड़ा कुछ सीखते हो। आल्दो कि आप अपने प्लेयर के साथ तो कर ही होते हो, बट इंटरनेशनल आइकॉनिक प्लेयर जब आपके पास आते हैं, जैसे PSL में फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, तो हमारे बच्चे जो PSL का पार्ट होते हैं, जो टीम में नहीं खेल रहे होते, बिल्कुल, तो वो अपने प्लेयरों से भी सीख रहे होते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक तो ये इसके प्लस प्लस सारी तीन चार चीजें बढ़ता है, यू गेट टू लर्न अ लॉट, उनके कल्चर से आप बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज एंड फूड एंड बहुत सारी, प्लस आपका वो जिस कोई भी XYZ आपका बड़ा नाम है, लेजेंड, जब आपकी टीम का पार्ट है, आप उसके साथ खेल रहे हो, उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हो, उसको खाते हुए देख रहे हो, यू लर्न, उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हो, तो आप देखते हो कि वो एक बड़ा प्लेयर किस तरह बना, क्योंकि वो अपनी वही चीजें इंप्लीमेंट करता है लीग क्रिकेट के अंदर भी आके, तो आप अपने यंगस्टर को एक्सपोजर दे देते हो। नुकसान इसका ये है कि आपकी जब क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं डेंट कर रही है। जैसे एक सुनील गावस्कर जो बहुत बड़े इंडियन लेजेंड है, उन्होंने कहा कि इसकी व्यूअरशिप IPL की ICC के इवेंट से भी ज्यादा है। ये बड़ी उनकी स्ट्रेंज स्टेटमेंट थी। आप देखें, जितनी मर्जी बड़ी आप लीग क्रिकेट करा रहे हो, कभी भी इंटरनेशनल इवेंट से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। उसकी एक सर्टन, ठीक है, अपने कंट्री के लिहाज से आप कर रहे हो, अगर आप उसकी एग्जांपल जो मैं देना चाहूँ तो भारत IPL हम सब मानते हैं फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से दुनिया की लार्जेस्ट वो ब्रांड बन चुका है, बट जब से IPL आया है तो भारत सिर्फ दो दफा क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में, ठीक है, उसके अलावा कभी वो क्वालिफाई नहीं कर सका, जमीन के सॉरी कि आपको वो एक्सपोजर देने में कहीं ना कहीं वो लैक कर रही है चीज़। इसी तरह हमारा PSL का भी जब इंडक्शन हुई, तो हम PSL से पहले भी कंटिन्यूसली हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, और अभी भी हमने देखा कि हम तीन चार दफ़ा, उसके बाद भी तीन दफ़ा आ चुके हैं, तो ये इधर वे चीज़ जाती है, तो आप सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस पर, और ICC को उसमें अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए कि अब तो प्लेयर हर लीग के लिए तीन आपको NOC जारी किए जाते हैं, कि हर प्लेयर अपने इंटरनेशनल ड्यूटी के अलावा तीन लीग खेल सकता है। जी जी जी, अब जब इतनी ज़्यादा लीग खेलेंगे, लड़का फटीग में आएगा, उसको प्रॉब्लम होगा, वो कहीं ना कहीं इंजर्ड भी होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपकी इंटरनेशनल बड़ा कोई क्वालिटी हाँ वो मिस कर जाएगा। जैसे अभी बुमराह को इंडिया में लॉस हुआ, हमारे भी एक दो प्लेयर इंजर्ड हुए, तो ये मेरा ख्याल है बोर्ड के ऊपर भी इसका ऑनस आता है, प्लेयर के ऊपर भी आता है, और उसमें ICC के ऊपर भी आता है कि इसको ज़रूर रखें, लेकिन एक बैकअप के तौर पे रखे, थोड़ा इसको करना चाहिए, इसको एक्सपैंड इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अब जो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इन्वॉल्व होने की वजह से, जैसे IPL वो डेढ़ मंथ पे चल रहा है, हमारा PSL एक मंथ पे चल रहा है, काफ़ी बड़े एक्सपैंड कर दिए गए हैं, मैचेस की क्वान्टिटी को कम करके आप रखो ज़रूर, लेकिन क्वान्टिटी को कम कर दो, क्वालिटी को बरकरार रखिए, बिल्कुल कम करें। आप जो जोर लड़के इन लीग क्रिकेट के अंदर लगा रहे हैं, वही इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाएंगे। देखें, प्लेयर की एक सर्टेन कैपेसिटी है, बिल्कुल, एक प्लेयर एवरेज आपका 30-40 मैच खेल सकता है, अब वो अगर 20-25 उसने डोमेस्टिक में खेल लिया या किसी लीग में खेली है, तो जब वो इंटरनेशनल में आके 10-12 में खेलेगा, तो आपको एक कुछ इंजरी भी नजर आएगी, उसकी बॉडी फटीग भी नजर आएगी, फिटनेस नहीं, वो एफिशिएंसी नहीं, वो एनर्जी नहीं नजर आएगी। और ना आप देखें, जितने आपके बड़े लेजेंड थे क्रिकेट के, आप ये देखें जो उन्होंने सीखा वक्त के साथ, वो सिर्फ अपने आप को ODI पे रखा, कहीं उन्होंने सिर्फ टेस्ट तक रिटेल रखा, उनके कैरियर 20-22 साल तक गए, इवन कुछ के 25 साल तक भी गए, क्यों गए, कि उन्होंने अपनी बॉडी को फटीग नहीं दी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है, आप उसको आप लिमिट तक उसको पुश कर सकते हैं, जब आप ओवरडू किसी भी चीज को करते हैं तो वो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, यू कांट डू विद द मशीन एज वेल, आपकी गाड़ी है उसका भी एक इंजन की एक सर्टेन कैपेसिटी है, आप उसको भी आप ये नहीं कर सकते कि 24 घंटे चलाते रहे, तो उसमें आप इसी तरह बॉडी के लाइकवाइज चलता है कि आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत चलना होता है, तो ये मेरा ख्याल प्लेयर को भी अपने मैं सबसे ज्यादा इसमें ऑनर्स प्लेयर पे डालता हूँ, एक प्लेयर को अपनी क्वालिटी देखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मैंने अपने आप को पहली प्रायोरिटी मेरी नेशनल ड्यूटी है, उसको देखना, हाँ लीग भी मेरा राइट है, मैंने चले थोड़ा पैसा भी बनाना है, फोयर लेना है, उसमें से चूज करें कौन सी दुनिया की नंबर वन लीग हो रही है, कौन सी, अच्छा अपनी लीग को पहली सेकंड प्रेफरेंस, बिल्कुल, और आप देखेंगे मेरी बॉडी की, क्योंकि प्लेयर से ज्यादा किसी को नहीं पता होता कि उनकी बॉडी किस तरह आपको अलाउ कर रही है या किस तरह नहीं कर रही। जैसे एक और एग्जांपल मैं इधर आपको देना चाहूँगा, आमिर और वहाब ने जब 2 साल पहले रिटायरमेंट ली टेस्ट से पहले, तो बहुत ज़्यादा इस पर फस हुआ मीडिया के अंदर, बोर्ड की तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया,
तो मैंने दोनों का इंटरव्यू किया उस टाइम, मैंने दोनों से बात की कि आप क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं। आमिर उस टाइम प्रॉब्लम मेरा ख्याल है 27-28 के थे, वहाब तब 35 के थे। तो दोनों ने कहा कि हम जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें खुद हमारी बॉडी टेस्ट खेलते हुए बताती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, शायद वो एनर्जी हमें नहीं रहती, हम वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है टेस्ट क्रिकेट की हम नहीं खेल पा रहे। हमारा फोकस ये है कि ओडीआई और टी20 के अंदर पाकिस्तान को लंबा सर्व करें और टीम को ऊपर लेके जाएं। तो जब मैंने उनका स्टांस सुना तो मुझे उनकी बात जस्टिफाई लगी। कहते हम पागल तो नहीं है कि हम पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये हमें इमेज ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हम टेस्ट में अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट हमारी बॉडी ये कह रही है कि हम अगर हम खेलेंगे तो हमारे कैरियर छोटे हो जाएंगे और हम पाकिस्तान को लंबा सर्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लंबा सर्व करना चाह रहे हैं, बट जो फॉर्मेट हमें सूट कर रहा है हमारी बॉडी को, हम उसको खेलना चाह रहे हैं। होना भी इसी तरह चाहिए। जो प्लेयर्स को बिल्कुल पता होता है अपनी बॉडी का कि क्या हमारे लिए फिट है, क्या हम ये ऑप्ट कर सकते हैं, हमारे लिए फीजिबल है, और फिर अपनी बॉडी को देखते हुए, मतलब आप ओवरडू ना करें प्लीज किसी भी चीज को। और बहुत जब किसी चीज के फायदों की हम बात करते हैं, प्रोस के साथ फिर कॉन्स की भी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, थैंक यू सो मच। मुझे और इरफान साहब को स्पोर्ट्स ऑन के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।